ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। भारत पहुंचने दे जिथे उन्होंने भारत सरकार ते मीडिया दा धन्नवाद कीता ते नाल ही गुहार लगाई है कि जेड़े विद्यार्थी हले उत्थे फसे होए ने उन्होंने भी जल्द तो जल्द उत्थों कढ़िया जावे। नहीं सर, स्टार्टिंग के डेज में 24-25 इन दिनों में तो हमें सिर्फ आवाज़ें सुनती थी, मतलब हम अंदर ही होते थे रूम्स वगैरह में, तो भी हैवी बॉम्बार्डिंग होती थी। और लेटर ऑन जैसे जैसे मतलब अटैक और क्रिटिकल होता गया तो हमें फायरिंग भी देखने को मिली। हमें मतलब पर्टिकुलर एक ही शॉप वहाँ पे अवेलेबल थी जो ओपन थी, तो हमें कई बार ग्रोसरीज लेने वहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन में जाना पड़ता था, तो हमें देखने को मिलता था कि शेलिंग वगैरह हो रखी है। मिसाइल्स भी हमने देखी हैं सर वहाँ पे गिरी हुई, और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इनफैक्ट अभी भी बच्चे, अभी भी जब हम रोमानिया बॉर्डर पे थे, यूक्रेन क्रॉस कर लिया था, वहाँ पे भी मतलब कुछ भी हल्की सी भी आवाज़ आती तो भी बच्चे एकदम से खड़े हो जाते कि कहीं दोबारा से इधर भी कोई शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है या नहीं।